चांद गगन से फूल चमन से रह नहीं सकता दूर, दीप से ज्योति सीप से मोती मिलने पर मजबूर, यही है रीत यही दस्तूर, जैसे कच्चे कांच के दर्पण ऐसे हैं ये प्यार के बंधन, तोड़ सके ना छोड़ सके ना बड़े बड़े मगरूर, भंवरा फूल से कितना भी दूर चला जाए अंत में फूल के पास आना ही पड़ता है। 20 मार्च का वह भयानुभव दिन जब काजल को उसका पति राकेश मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर छोड़कर गायब हो जाता है और वह वापस नहीं आता है। हैरान परेशान काजल अपने पति राकेश की तलाश में कभी पुलिस थाने तो कभी कहीं तलाश करती है। राकेश की विरह में वह भटकती, वह तड़पती है, रोती है, बिलखती है। कहते हैं कि सती सावित्री भी सत्यवान को यमराज से छीन कर ले आई थी, जब मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया। ऐसा ही सच्चा प्यार काजल का उसके पति राकेश के पास 8वें दिन यानी 26 मार्च को खींच लाया। अपने पति को देख काजल के आंसू की धारा बहने लगी। तोमर क्राइम न्यूज के माध्यम से हमने काजल से सवाल किए तो काजल बोली, मेरा पति लौटकर आया, अच्छा लगा। राकेश ने कहा, कुछ लोगों से पैसे का लेन देन था, साथ ही मेरा मोबाइल ही छीन लिया गया था, इसलिए काजल से नहीं मिल सका, नहीं बात हो सकी। हमने काजल के पति राकेश की पड़ताल, यानी हम कहें कि हम काजल और राकेश के पास काला भैरू गोरा भैरू के लक्ष्मण के माध्यम से हम इन दोनों से के पास गए और बातचीत की, वह भी हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। लेकिन वजह कुछ भी रही हो, काजल को अब राकेश मिल चुका है। मैं अजय सिंह तोमर, तोमर क्राइम न्यूज। काजल, आपने एक 20 तारीख को आरोप लगाया था कि आपका पति आपको स्टेशन पर छोड़ के चले गए हैं और शायद ससुराल वालों ने इनको गायब करवाया है, अब आपके पति आपके पास आ गए, अब क्या कहना है आपका? जी, इनके साथ गद्दारी हुई थी, इनसे जो लोग दुश्मन बहुत थे, मैंने पहले भी बताया था, वो इनके साथ गद्दारी करके इनको उठा के ले गए थे, बहुत मुश्किल से उधर से निकल के आए। अभी किसने गद्दारी की थी? इनके कोई दोस्त थे, वो मेन आदमी नहीं था, 3-4 लोगों को छोड़ा था इनके पीछे, इनका फोन भी छीन लिया, इनके पास कुछ नहीं। अब ये आपके पास इनको हाथ पे बहुत मारा, पैर पे मारा, तो अब आपके पास ही आ गए, अब आपको कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है कि ये घर पे आ गए। राकेश, तुम्हारी पत्नी काजल ने एक आरोप लगाया था 20 तारीख को कि मेरे को स्टेशन पर मेरे पति छोड़कर चले गए हैं और आज 3-4 दिन हो गए अभी लापता हैं, तो क्या कारण था जो आप स्टेशन पर इनको छोड़कर चले गए थे? सर, मैं छोड़ देने गया था, मैं अपने बाइक रखने के लिए गया था, ठीक है, और वापस आ रहा था, पहले से कोई दुश्मन नहीं है पैसे के मामले, ठीक है, वो मेरे को यहाँ से लेके गए, उसको मैं जानता नहीं हूँ, मैं ना जो पैसे मांगते वो नहीं थे, ठीक है, कोई दूसरे थे, वो मेरे को लेके गए यहाँ से, और मैं उसको बोला भी तो, मैं बोला पैसा नहीं अभी, बाद में दे दूँगा, ठीक है, नहीं वो तो मेरे को छोड़े नहीं, तो मैं साथ में लेके जाऊँगा, और मारपीट भी की, तो चार दिन उसके साथ भी रखा, ठीक है, आज मैं कैसे भी निकल गया, मेरा मोबाइल भी ले लिया, वापस निकल गया वहाँ से, मैं आ गया वापस। आप कब आए? सर कल आए। कल क्या तारीख थी? कल तारीख 26 तारीख को। अब आप घर आ गए, अब आप कहाँ जाएंगे? वापस जाएंगे काम पे, फिर काम करते थे। अच्छा।